दिल्ली के कंझावला कांड के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा। इस पर कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं। हादसे का शिकार होने से पहले लड़की ने होटल में दोस्तों के साथ वक्त बिताया था। यहां दोस्त के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। होटल मैनेजर का दावा है कि दोनों लड़कियों ने ही कमरा बुक किया था और दोस्त भी आए थे। यहां दोनों लड़कियों के बीच गाली गलौज हुई थी, फिर साथ ही में दोनों नीचे चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि होटल के मैनेजर ने पुलिस को बताया था कि वे दोनों लड़कियां आपस में बहस कर रही थी। तब मैनेजर ने उन्हें कहा था कि यहां पर प्लीज लड़िए मत, और वो फिर नीचे जाकर लड़ने लगी। नीचे जब वो लड़ रही थी तो आस पड़ोस वालों ने भी उन्हें रोका था, जिसके बाद वो स्कूटी पर बैठकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने कुछ लड़कों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है जो उस होटल में उन दोनों लड़कियों के साथ देखे गए थे। लड़कों का अलग कमरा बुक था और होटल स्टाफ ने उन्हें लड़की से बात करते हुए देखा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर शालिनी सिंह ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ सुल्तानपुरी के कंझावला तक 12 किलोमीटर तक लंबी सड़क का निरीक्षण किया है, जहां भारी दिल्ली में एक 20 वर्षीय महिला को उसके दो पहिया वाहन को कार ने टक्कर मार दी थी। वहीं बात करें लड़की की दोस्त की, तो जब उसे गाड़ी से टक्कर मारी गई तो वह लड़की डर गई और भागकर घर चली गई। ये बात का खुलासा बाद में हुआ है, लेकिन अगर वह लड़की उसी समय पुलिस को कॉल कर देती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसमें लड़की की गलती भी निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर वह फोन कर देती तो शायद उसकी जान बच जाती।